नमस्कार। आज हम चेस के बारे में कुछ फंडामेंटल्स जानेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेस में पहला चीज जो बोर्ड होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है, और उस स्क्वायर टाइप के बोर्ड में 64 स्क्वायर्स रहते हैं, और बोर्ड का जो ए टू एच लिखा रहता है वो लाइन्स को हम लोग फाइल्स बोलते हैं, और जो 1 to 8 होता है वो लाइन्स को हम रैक बोलते हैं। और जब भी पीसेस को चेस बोर्ड में लेकर रखा जाता है वो जो डार्क स्क्वायर रहता है ब्लैक कलर का वो लेफ्ट से शुरू होना चाहिए, और व्हाइट का जो पहला जो पीस होगा वो ए और वन के बीच में रहना चाहिए। पहला पीस जो रूट, हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। रूट ये हमेशा ये कॉर्नर में स्टार्टिंग में कॉर्नर में रहता है, दोनों कॉर्नर में दो रूट रहता है। ये अपने स्क्वायर से स्ट्रेट 180 डिग्री में कहीं भी जा सकता है, चारों तरफ जा सकता है। पर अगर इसके बीच में कोई अपना पीस आ जाए या दूसरे का पीस आ जाए तो ये उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता है, कोई भी सिवाय नाइट के अलावा, और कोई भी पीस एक पीस को दूसरे पीस को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। अगर इसको आगे बढ़ना है तो अगर ये डार्क स्क्वायर वाला है तो उसको ऑक्यूपाई करके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और रूट हमेशा 180 डिग्री अपना पोजीशन से 180 डिग्री में ही ट्रैवल कर सकता है। फिर है नाइट का एक सबसे अच्छा कैरेक्टर जो नाइट ये कर सकता है, किसी भी पीस का ऊपर से वो ट्रैवल कर सकता है, और नाइट अपना पोजीशन से एक एल बना करके कोई भी डायरेक्शन में चारों डायरेक्शन में एल बना करके जा सकता है। जैसे कि ये 1 2 3 वो तीन पोजीशन अपने नाइट ट्रैवल कर जा सकता है नाइट का है। फिर हम जानेंगे अभी बिशप के बारे में। बिशप जो कि ओनली कॉर्नर में ही मतलब वो 45 अपना पोजीशन से कहीं भी एक लाइन खींचोगे 45 डिग्री में वो ट्रैवल कर सकता है, चाहे वो व्हाइट में होगा तो व्हाइट में जाएगा, चाहे ब्लैक में होगा तो ब्लैक में जाएगा। और उसके बाद हम जानेंगे हमारा क्वीन के बारे में। जो क्वीन भले डार्क स्क्वायर हो लाइट स्क्वायर हो, वो जिसका क्वीन हमेशा जिस कलर का होगा उसी कलर में स्टार्टिंग रहता है। कुछ लोग गलत होने कि किंग से शुरू होता है सेम कलर, पर नहीं, वो क्वीन से ही होता है। क्वीन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है आफ्टर किंग के बाद। वो कोई भी डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, वो कोई भी डायरेक्शन में कितना भी हो जा सकता है, पर किसी पीस को वो पीस को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। भले वो ऑक्यूपाइड करके आगे निकल सकता है पर किसी को क्रॉस नहीं कर सकता है। और जो हमारे पॉन्स हैं, और जो हमारे पॉन से अगर स्टार्टिंग में उसको चला जाए तो वो एक बार में दो स्टेप जा सकता है। अगर इसको सिंगल स्टेप भी ले सकते हैं और डबल स्टेप भी ले सकते हैं, पर एक बार अब इसको सिंगल कर दिए तो डबल नहीं हो सकता है, उस बार उसके बाद से वो सिंगल ही जाएगा। अगर इसको स्टार्टिंग में ही चलाएंगे तो डबल जा सकता है, चाहे लाइट स्क्वायर हो डार्क स्क्वायर हो कोई भी हो। और जैसे एक पॉन के सामने और एक पेन आ जाए तो ना ये आगे इसको कैप्चर दोनों एक दूसरे को कुछ कैप्चर कर सकते हैं ना एक दूसरे के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें और एक रूल्स है, अगर ये आपका दोनों पॉन ऐसे पोजीशन में आ जाए, अगर जो लाइट स्क्वायर है लाइट स्क्वायर पीस है, अगर वो एक पॉन एक साथ में दो स्टेप आगे बढ़ाता है तो अगर वो डार्क स्क्वायर चाहे तो इसको इस पोजीशन में कैप्चर कर सकता है।
इसको एम्पर्स एम्पर्स का नाम से जाना जाता है, एम्पर्स का एम्पर्स किया जाता है, तो ये इसको कैप्चर कर सकता है। पर ये भी अगर एक स्टेप में जैसे लाइट स्क्वायर आगे बढ़ाया और नेक्स्ट जब डार्क स्क्वायर बढ़ाता है, अगर पहला स्टेप में नहीं लिया तो सेकंड स्टेप में नहीं ले सकते। अगर पहला स्टेप में अगर ये नाइट को ऐसे आगे बढ़ा दिया, नाइट को ऐसे आगे बढ़ा दिया तो ये और नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर इसने कुछ दिया उसके बाद वो एम्पर्स करेगा तो वो नहीं होगा। वो पहला स्टेप में जैसे कि इसने यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ लिया तो तुरंत कर देता है। और जो पीसेस का जो मूवमेंट होता है उसको उसका एक नंबरिंग रहता है, जैसे कि हमारा ये किंग है, किंग का क्या रहता है कि केस शुरू होता है के। अगर हम लोग जैसे कि किंग का रहता है के, अगर किंग इस पोजीशन में अभी है तो इसको वो कौन सा रैक में होता है, ई रैक। ये फाइल कौन सा होता है, ई फाइल। और रैक में जो आता है वो चार नंबर वाला रैक में आता है, तो इस पोजीशन को किंग किंग का बोलेंगे के ई फोर। अगर यहाँ से इसको इस पोजीशन में जाना है तो सेकंड पोजीशन में वो लिखा जाएगा के एफ फाइव, मतलब वो के ई फोर से एफ फाइव गया है इस तरह। और क्वीन को लिखा जाए, क्वीन का हम लोग क्यू के, क्वीन को क्या है क्यू के, उसका सिंबल है क्यू। और उसी तरह बिशप का बी से शुरू होता है और नाइट का एन से और रूट का आर से। और पॉन को जनरली हम ऐसे ही ई फोर सी फोर डी फाइव ऐसे दे देते हैं, ऐसे इसका कोई और सिंबल नहीं है। और इसी बीच चेस का सबसे मतलब जो रूल्स नहीं, मतलब एक एक सिंपल सा लेसन होता है, आप जो फर्स्ट 10 स्टेप रहता है वो 10 स्टेप में एक पीस को वही 10 स्टेप के बीच में दोबारा नहीं चुना। जैसे कि हम कुछ लोग क्या करते हैं, नाइट को ऐसे लिए तो उसने भी ऐसे बढ़ाया, फिर ये सब क्या किए आगे ले लिए तो उसने फिर इसको अपना पॉन को आगे किया d6 में, तो क्या है आपका नाइट को वो पीछे लेना पड़ेगा, नाइट को फिर टच करके पीछे लेना पड़ेगा। इसमें क्या है उसका एक पीस आगे आया, मतलब वो आपसे एक कदम आगे चल रहा है। आप जितना पीछे लोगे, अगर अपना सबसे स्टार्टिंग का अगर 20 स्टार्टिंग का आप 10 से 15 स्टेप अच्छा खेल लिए तो आप मतलब गेम आपकी तरफ आ सकता है। अगर एक ही पीस को आप बार बार ऐसे ट्रैवल कराओगे बिना कोई मतलब रीजन का कुछ भी, मतलब कुछ ऑक्यूपाई नहीं होगा, कोई पीस ठीक से डेवलप नहीं होगा, तो उसमें क्या आपको हारने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जितना भी आप मतलब पीसों को खेलाएंगे तो वो सब सेंटर की तरफ खेलना चाहिए, मतलब ये जो सेंटर का एरिया है इसी में आपको ज़्यादातर पीस इसी को मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए, जैसे कि आपका पॉन को भी ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या है आपका सेंटर में आपका ऑक्यूपेशन ज़्यादा रहेगा। और सेंटर में ऑक्यूपेशन करते करते आपके क्या है गेम थोड़ा डेवलप हो, ज़्यादा डेवलप अच्छे से हो जाएगा और आप जीतने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसी बीच अगर आप इसमें और एक रहता है कैसलिंग का रहता है, जो कैसलिंग का रूल्स है वो क्या है, जो आपका किंग आएगा वो क्या है दो स्टेप अपना लेफ्ट और राइट को ट्रैवल कर सकता है, कैसलिंग में ट्रैवल कर सकता है, जैसे एक दो, और उसके बाद वो जो उसका साइड वाला रुक होगा वो इसके पास आके ऐसे बैठ जाएगा। इसी बीच एक ध्यान देना है, ये जो पास वाला रूट को अगर करता है वो तो शॉर्ट कैसलिंग बोलाते हैं, अगर ये लॉन्ग साइड पर जो दूर वाला रूट को अगर साथ कैसलिंग करता है तो उसको लॉन्ग कैसलिंग बोलाता है। पर अगर चेक पर जैसे कि इसको चेक मिला है, अगर इसी को चेक दिया है किसी ने इसको चेक डाला है तो ये कैसलिंग नहीं कर सकता है। अगर किसी ने चेक डाला और ये इसने कहीं से मूव कर दिया उसके बाद ये चाहा कि नहीं मैं कैसलिंग करूँगा तो कैसलिंग नहीं होगा। एक बार राजा को आप वो एक स्टेप भी मूव कर दिए तो कैसलिंग नहीं हो सकता है।
और एक बार भी अगर राजा को चेक मिला है, अगर उस चेक के दौरान आप नहीं कर सकते हैं, अगर चेक को आप ऑक्यूपाई कर लिए, फिर अभी आप कैसलिंग कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि यहाँ कैसलिंग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कैसलिंग कर रहे हैं, जैसे कि कैसलिंग यहाँ करना चाह रहे हैं, पर ये जो रैक है वो क्या है, रैक के एक किंग क्वीन से, ऑपोजिट वाला क्वीन से वो यहाँ रख यहाँ बैठा हुआ है, क्वीन लेके बैठा हुआ है, तो आप यहाँ कैसलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसको क्रॉस करके नहीं आ सकता है। अगर आपका कोई भी रैक ऑक्यूपाइड है दूसरा पीस से, तो आप उसको कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर क्वीन हो, चाहे वो बिशप ऐसे बैठा हो, यहाँ बिशप यहाँ बैठा हुआ हो, तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेस में अगर नया है तो कोई ओपनिंग, कोई एंड गेम्स, उसके बारे में मतलब जानने की अभी मतलब उतना प्रयास ना करें, सिंपली अपना स्टेप को आगे बढ़ाते जाए और सिर्फ पीसेस को डेवलप करें, अच्छे तरह से पीसेस को डेवलप करें, पीसेस को डेवलप करा जाए। तो क्या है इसमें आपको क्या है सीखने का ज़्यादा मिलेगा, और बस। और इस तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की एक मौका दें। धन्यवाद।